सुना तो है उमा का प्रवेश। उमा, क्या सुना है? अतुल, यही कि भाभी मरणासन है। मरणासन मीन्स बच्चों जिसकी मृत्यु निकट हो। उमा चकित मतलब आश्चर्य से, क्या माँ तो तुझे यह भी पता है? अतुल, हाँ माता जी, मुझे पता है और यह भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया था, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। माँ, अनसुना करके मतलब यहाँ पे भी माँ ऐसा लग रहा था कि वो सुन नहीं रही है। अतुल, तो अविनाश की बहू मर जाएगी? अतुल, सुना तो ऐसा ही है। उमा अचरज से माँ को देखती है, फिर पति को। जब उमा सुनती है कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो उसको बहुत आश्चर्य होता है। वो माँ की तरफ देखती है, फिर अपने पति अतुल की तरफ। उमा, आप क्या कह रहे हैं? आप वहाँ नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहाँ जाइए। अतुल उसी तरह शांत, कोई लाभ नहीं होगा। उमा, भैया में एक दोष है, वे जो कहते हैं करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। वे फौलाद के समान हैं जो टूट जाता है पर झुकता नहीं। बच्चों, यहाँ पर अतुल अपने भाई अविनाश के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं कि वो इतने फौलाद के समान हैं कि वो टूट सकते हैं पर मिट सकते हैं, पर वो किसी के सामने हाथ नहीं पसारेंगे। उमा कांप कर, लेकिन भाभी को कुछ हो गया? अतुल गंभीर, भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? सहसा कांप कर, नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं। सहसा माँ आगे बढ़ जाती है। माँ, लेकिन मुझे तो है। अतुल, उसी तरह अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो, तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। यहाँ पर अतुल अपनी माँ को कह रहा है कि माँ का पूरा अधिकार है अपनी बहू पर, अविनाश पर। वो चाहे तो उसकी जान बचा सकती है। माँ उद्विग्न मतलब, उद्विग्न मीन्स बच्चों परेशान होकर। हाँ, तो मैं सोचती हूँ अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी। उसके आगे माँ कुछ नहीं कह पाती, आगे शब्द नहीं निकलते, वाणी फूट पड़ती है। वाणी मीन्स आवाज़ जो है वो रोने वाली आवाज़ हो जाती है, फूट पड़ती है। उमा अवाक मीन्स बच्चों चकित या हैरानी, उन्हें देखती है। उमा चकित दुखित, माँ माता जी। माँ, हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ, वह नहीं बचेगा। मैं उसे जानती हूँ, यहाँ पे माँ किसके लिए कह रही है? माँ अविनाश के लिए कह रही है। अगर अविनाश की पत्नी को कुछ भी हो गया तो अविनाश नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। उमा
कंपित स्वर में, मींस कांपते हुए स्वर, माता जी आप क्या कह रही हैं? अतुल गंभीर, माँ तुम इतना जानती हो? माँ हाँ उमा। अतुल मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा, उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में। मतलब माँ कह रही है कि अगर मैं अविनाश की पत्नी को स्वीकार कर लेती हूँ तो अविनाश बच जाएगा। फिर अचरज से उमा, अतुल एक साथ, माँ माँ उसी तरह। अतुल इसलिए मैं कहती हूँ तू एक बार मुझे उनके पास ले चल, वह निर्मम है पर मैं माँ हूँ। यहाँ वह निर्मम है मीन्स अविनाश और उसकी पत्नी के लिए बोला गया है कि वो नहीं आ सकते पर मैं माँ हूँ और मैं इतनी कठोर नहीं हो सकती, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए, मैं उसके पास चलूँगी। उमा हर्ष से कांप उठती है, अतुल उसी तरह गंभीर है। उमा माँ तुम कितनी अच्छी हो। अतुल गंभीर, अभी चलो माँ, पर चलने से पर ले एक बात सोच लो, यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकी तो जाने से कुछ लाभ नहीं होगा। अतुल माँ को पहले पूछ रहा है कि अगर वहाँ जाओगी तो भाभी को स्वीकार करोगी जो कि विजातीय है। माँ अपेक्षाकृत शांत, जानती हूँ अतुल, इसलिए तो जा रही हूँ। अतुल हर्षित खुश होकर, ऐसी बात है तो चलो माँ अभी चलो। पुकार कर राम सिंह तांगा लाओ अभी इसी वक्त, और उमा तुम भी चलो शीघ्र। उमा कहता हुआ वह बड़े कमरे से होकर बाहर जाता है, उसकी आंखें भर आई हैं। मतलब जब माँ यह कहती है कि वो दोनों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई है तो अतुल की जो आंखें हैं भर आती हैं, किससे? खुशी से। माँ और उमा कई क्षण तक शून्य में ताकती रहती हैं, वातावरण में शांति और स्निग्धता है। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य याद आते हैं, वह फुसफुसाती है। अब उमा जो शांत शून्य दृष्टि से ताक रही है, उसको अपनी पुस्तक की वाली बात याद आती है। उमा जिन बातों का हम प्राण देके भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर उमा वही बात याद कर रही है कि समय बहुत बलवान है, जो व्यक्ति कभी किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहता, नहीं करने देता, वो समय उसको स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देता है। बच्चों व्यक्ति जिन बातों का विरोध शुरू से कर रहा है, समय और परिस्थिति उन बातों को व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देती हैं, ठीक है। उसका मुख प्रकाश से मुखरित, मुखरित मीन्स होता है बोलना, बट यहाँ पे प्रकाश होता है मतलब चमकना, हो उठता है। नौकर ने पीछे से स्विच दबा दिया है, यहीं पर पर्दा गिर जाता है, यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाती है। बच्चों माँ जो कि पुरानी रीति रिवाजों संस्कारों में जकड़ी हुई थी, एक समय आता है जब अविनाश की पत्नी इतनी बीमार होती है उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है, तब माँ अविनाश
और उसकी पत्नी को स्वीकार कर लेती है और उनको घर ले आती है। इस प्रकार एकांकी का जो शीर्षक है संस्कार और भावना बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल सही है। ओके, थैंक यू बच्चों।